नमस्कार, मैं हूं रुचि शर्मा। वेब थ्री की दुनिया की तमाम बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं हम। जेनेसिस ग्लोबल ट्रेडिंग के क्रेडिटर्स ने रीस्ट्रक्चरिंग लॉयर्स को हायर किया है ताकि क्रिप्टो ब्रोकरेज को बैंक्रप्सी के लिए फाइल करने से रोकने में मदद मिल सके। इस बात की जानकारी ब्लूमबर्ग न्यूज ने बुधवार को स्थिति की जानकारी रखने वाले लोगों का हवाला देते हुए दी। लोगों ने कहा कि कुछ क्रेडिटर्स लॉ फर्म प्रोस्क्वायर रोज के साथ काम कर रहे हैं, जबकि दूसरों ने कर्कलैंड एंड एलिस को बनाए रखा है। 16 नवंबर को क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट बैंक की लोन देने वाली आर्म ने FTX के कोलैप्स के मद्देनजर रिडेम्पशंस और नए लोन ऑर्गेनाइजेशन को सस्पेंड कर दिया, जिसकी जानकारी इंटरिम CEO दिरार इस्लिम ने ग्राहकों को दी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। DappRadar.com द्वारा दर्ज स्टैटिस्टिक्स के अनुसार इस हफ्ते OpenSea ने अब तक की सेल में $33 बिलियन को पार कर लिया है। ऐसे में 29 नवंबर 2022 को OpenSea ने खुलासा किया कि BNB ब्लॉकचेन को अब मार्केट द्वारा सपोर्ट किया जाएगा, जिससे यूजर्स BNB बेस्ड नॉन फंजिबल टोकन एसेट बाय और लिस्ट कर सकेंगे। OpenSea पहले से ही इथेरियम, सोलाना, क्लेटन, आर्बिट्रम, ऑप्टिमिज्म, एवलांच और पॉलीगॉन नेटवर्क को सपोर्ट करता है। OpenSea में बिजनेस और कॉर्पोरेट डेवलपमेंट के प्रमुख जेरेमी फाइन ने मंगलवार को समझाया कि OpenSea NFT मार्केटप्लेस के यूजर्स के लिए और ज्यादा ब्लॉकचेन डाइवर्सिटी जोड़ने की तरफ कदम बढ़ा रहा है। बाकी अहम खबरों के लिए करते हैं विशाखा का रुख। ओवर टू यू विशाखा। फर्स्ट लग्जरी फैशन हाउस बॉर्न फ्रॉम क्रिप्टो कल्ट एंड रेन, कल्ट आर वर्ल्ड के अंदर एक रैडिकल मेटावर्स शॉपिंग एक्सपीरियंस और cultandrain.com पर एक नया ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च करने जा रहा है। कल्ट एंड रेन अपने जेनेसिस कलेक्शन से सबसे पॉपुलर स्टाइल्स के आधार पर 250 लिमिटेड एडिशन फिजिकल स्नीकर्स का एक नया को कलेक्शन ड्रॉप कर रहा है। पहली बार कस्टमर्स टाइटन को कलरवे ब्लैक एंड वाइट, वेगा को कलरवे ऑल ब्लैक और एटलस को कलरवे ऑल वाइट में ऑर्डर कर सकेंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सोशल मीडिया जायंट के एक सीनियर ऑफिशियल ने मंगलवार को कहा कि मेटावर्स भारत को भारी आर्थिक लाभ प्रदान कर सकता है और इसके लिए देश के डेवलपर्स और क्रिएटिव कम्युनिटी की प्रतिभा की जरूरत है। इंडस्ट्री चेंबर FICCI के एक्सा ओपन सोर्स फेलोशिप प्रोग्राम के लॉन्च पर बोलते हुए UK के डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर और मेटा के ग्लोबल अफेयर्स प्रेसिडेंट निक क्लेग ने कहा कि नई जानकारी के लिए इंजीनियरिंग और एंटरप्रेन्योरिज्म के लिए ज़्यादा भूख भारत में हाईली स्ट्राइकिंग है और ये भारत के टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन में बड़े देशों में से एक होने का कारण है। ओवर टू यू संदीप। जैक डॉर्सी द्वारा को-फाउंडेड पेमेंट्स कंपनी BlockINC ने कथित तौर पर जर्मनी में ट्रेडमार्क को लेकर किए गए उल्लंघन के लिए रॉजर वेयर के bitcoin.com पर मुकदमा करने की धमकी दी है। पूरे मामले की शुरुआत वर्स टोकनाइज्ड डिजिटल इकोसिस्टम में शामिल होने और इसके वर्स एसेट की सेल से शुरू हुई। आपको बता दें कि BlockINC ने साल 2020 में वर्स टेक्नोलॉजीज INC नाम की कंपनी को एक्वायर किया था, जिसमें वर्स नाम के मोबाइल पेमेंट ऐप आता है। कॉइन टेलीग्राफ के अनुसार ब्लॉक के कानूनी सलाहकार ने जुलाई और अगस्त 2022 में bitcoin.com को पत्र भेजे और कंपनी को सूचित किया था कि वो वर्स नाम का इस्तेमाल करके जर्मन कानून के तहत ट्रेडमार्क का उल्लंघन कर रहा है और ऑल कैप शब्द वर्स का इस्तेमाल भी कर रहा है, जो कि बहुत ही गैरकानूनी है। वही अगली खबर FTX से जुड़ी है। दरअसल क्रिप्टो एक्सचेंज FTX और उसकी सिस्टर कंपनी अल्मेडा रिसर्च, जिन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स कोर्ट में दिवालियापन के लिए दायर किया है, उसने कम से कम 3 केनियन स्टार्टअप्स में बिलियंस का इन्वेस्ट किया है, जो यंग फर्म्स को फाइनेंशियल वाइल्ड वाटर्स में खींच सकता है। रेगुलेटरी फाइलिंग्स और कोर्ट पेपर्स से पता चलता है कि सैम बैंकमैन-फ्रीड ने इन्वेस्टमेंट आर्म अल्मेडा रिसर्च के माध्यम से $32 बिलियन के क्रिप्टो साम्राज्य को खत्म कर दिया, जिसने स्थानीय क्रिप्टो एक्सचेंज बिटपेसा, डिजिटल फाइनेंस स्टार्टअप मैरा और रेमिटेंस कंपनी चीपर कैश में बिलियंस में पंप किया था। ऐसे में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी वेब थ्री से जुड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए देखते रहिए 3.OTV। मैं संदीप कसालकर फिलहाल आपसे विदा देता हूं। धन्यवाद।